आप देख पा रहे हैं सुप्री में स्थित सरस्वती विद्यापीठ आवासीय विद्यालय। ये विद्यालय का गेस्ट हाउस और साथ में आप देख पा रहे हैं PRO, ये दोनों यहाँ पर हैं। यहीं से प्रवेश का रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होता है और संपर्क भी यहीं से आप कर सकते हैं। ये कुछ झलकियाँ हैं सुप्री के अच्छे स्थानों की, दर्शनीय भ्रमण स्थलों की। ये भारत माता भवन है जो कि छात्रों के लिए छात्रावास है। ये हमारे विद्यालय के वर्ष क्या ऐसे कहें सत्र 2022-23 का रिजल्ट है। ये रिजल्ट आप देख पा रहे हैं पूर्व माध्यमिक परीक्षा का है, यह रिजल्ट हायर सेकेंडरी परीक्षा का है और यह रिजल्ट हाई स्कूल परीक्षा का है 10वीं का, जो कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कितना अच्छा पहन बनाया है बालकृष्ण धाकड़ 96.2%, दिवराज सिंह चौहान 95%, प्रधान रघुवंशी 94%, मोहित रघुवंशी 94%, रोहित धाकड़ 94%, अक्षय यादव 94.2%, राज डांगी 94%, विनय यादव 94%, अजय धाकड़ 93%, राज यादव 92.4%, धर्मेश शर्मा 92.2%, शैलेंद्र सिंह 91.8%। और यहाँ पर 90+ की कगार में आराध्य गुप्ता 91.6%, कपिल यादव 89.8%, सौरभ रावत 89.6%, शैलेंद्र 89.2%, अमन वर्मा 88.8%, अंकेश यादव 88%, अमित धाकड़ 88.4%। इस तरह से आप देख सकते हैं कि 90+ बहुत सारी परसेंट बनी है छात्रों की। ये हम और अंदर विद्यापीठ परिसर में प्रवेश कर रहे हैं, साथ में आप बगीचों का आनंद ले सकते हैं। बहुत अच्छे सुंदर हरे भरे बगीचे मेंटेन कर रखे हैं और देखा जाए तो एक तरह से छात्रों के लिए बहुत ही अच्छा प्राकृतिक वातावरण है। ऐसा प्राकृतिक वातावरण देश के बहुत अच्छे स्कूलों में भी उपलब्ध नहीं हो पाता है, जो कि हमारे यहाँ उपलब्ध है। ये भारत माता भवन है, और ये 3 मंजिला बिल्डिंग है, आप देख सकते हैं। इस पर हमारे
क्लास फिफ्थ से लेकर क्लास टेंथ के बच्चों का निवास रहता है। विद्यापीठ की छात्रावास की सबसे बड़ी बिल्डिंग है और आप देख सकते हैं बगल से हमने इसके बहुत ही बेहतरीन गार्डन बना रखा है। देखिए यहाँ पर एक्चुअली एक नहीं दो दो माली रहते हैं जो कि इनका अच्छा ख्याल रखते हैं, समय पर पानी देना, कटिंग करना, खाद देना। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि बगीचों को भी बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा है जिससे बच्चों को एक अच्छा प्राकृतिक वातावरण प्राप्त हो सके। आगे आप देखिए, आप देख पा रहे होंगे इसी बिल्डिंग के राइट एंड पर भी एक बेहतरीन बगीचा, एक और बगीचा तैयार हुआ है। इसकी भी रखवाली हमारे माली करते हैं। देखिए आप कितना सुंदर दृश्य है फूलों का इस मई के महीने में भी, जून के महीने में भी कितने अच्छे से फूल के साथ साथ पेड़ खिल रहे हैं। देखिए चारों तरफ से बगीचों को गेट सहित कवर किया गया है जिससे किसी प्रकार की पौधों को, फूलों को हानि ना हो, सुरक्षित किया गया है। इस साइड का भी देख सकते हैं, ये हमारी भारत माता की बिल्डिंग की देवी हैं, भारत माता देख सकते हैं आप, बहुत सुंदर मूर्ति है। बच्चे सुबह उठकर इनका दर्शन करते हैं, इनके आगे पूजा अर्चना करते हैं और यहाँ पर बहुत अच्छा श्लोक भी लिखा हुआ है, रत्नाकरा धौत पदाम हिमालय क्रीटनीम ब्रह्म राजर्ष रत्नाढ्याम वंदे भारत मातरम, भारत माता की जय। इस तरह से बच्चे इसको पढ़ते हुए इनकी वंदना करते हैं। बहुत सुंदर भारत माता की मूर्ति जो कि शेर पर सवार हैं, मैं भी इनको अपनी ओर से विपिन राजपूत प्रणाम करता हूँ। इसी भारत माता के सामने दो गार्डन और हैं। देखिए ये गुलाब के फूलों का गार्डन है, इसमें बहुत सारे गुलाब खिल रहे हैं। यहाँ पर परिसर में स्थित देवालय के लिए यहीं से फूल उपलब्ध होते हैं, हमें मार्केट से ज़रूरत नहीं होती है लाने की, फूल माला जो भी है। और इधर भी एक छोटा सा गार्डन है, मतलब गार्डन तो इतने हैं कि कुछ कहो ना। इसी से तो विद्यापीठ का वातावरण प्राकृतिक बनता है। देखें एक बार फिर से दर्शन करें भारत माता बिल्डिंग के। ओके देखिए हरियाली और वृक्षों के बीच में भारत माता बिल्डिंग, इसमें बच्चे रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा है ओम भवन, आपको इस पर ओम बना हुआ दिख रहा होगा इसलिए इसका नाम है ओम भवन। इस ओम भवन की विशेष बात यह है कि इस ओम भवन में पहले राजाओं के समय, सिंधिया जी के समय हाथी रहते थे, लेकिन आज इस बिल्डिंग को डेवलप करके उनके दान करने के बाद बरसों बाद इस बिल्डिंग को सुरक्षित कर रखा है। इसमें भी बच्चों का छात्रावास रहता है और इस बिल्डिंग के अंदर विशेषता यह है कि इसकी दीवारें इतनी मोटी हैं, इतनी मजबूत बिल्डिंग है कि इस बिल्डिंग में बच्चों को
हमेशा कूल यानी ठंडक का एहसास होता है। भरी गर्मी में भी बच्चे इसमें गर्मी का एहसास नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये हमारे विद्यापीठ के परिसर में जगह जगह पर जो शहीद हैं, जैसे कि खुदीराम बोस, वीर बंदा बैरागी, वीर हकीकत राय, ऐसे महान लोगों के चित्र लगा रखे हैं। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, इन चित्रों का उद्देश्य यह होता है कि छात्र इन्हें देखकर इंस्पायर हों। अगर वो इंस्पायर हो, यहाँ से भी भारत माता का नज़ारा बहुत बेहतरीन दिखता है। आप देख रहे होंगे बगीचों के बीच, फूलों के बीच ये मनमोहक दृश्य दिखने के लिए हमारे पूर्व छात्र भी लालायित रहते हैं। और इतना कहें कि अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यह प्रदेश में जितने भी आवासीय विद्यालय हैं, उन आवासीय विद्यालयों के प्राकृतिक वातावरण उपलब्ध कराने में हमारा सरस्वती विद्यापीठ आवासीय विद्यालय एक बहुत अच्छी भूमिका रखता है, और आप देख ही पा रहे होंगे। देखें आप फिर से फूलों का एक बगीचा, इसमें विभिन्न प्रकार के फूलों को लगा रखा है। ये हमारे अशोक वृक्ष हैं। ये अशोक वाटिका जो है ना, इसका नाम रखा है हमने। यहाँ पर शाम को टीचर एवं स्टूडेंट्स सभी रिलैक्स महसूस करते हैं, यहीं पर बैठ के आराम करते हैं। देखिए ये है अशोक वाटिका, बहुत ठंडक महसूस होती है यहाँ पर, और साथ में यहाँ बैठे हैं तो पेयजल की व्यवस्था की गई है। सामने देख रहे होंगे आप, ये यज्ञशाला है और सामने देवालय है। ये देवालय की विशेषता यह है कि यहाँ पर सप्री के और इस स्थान के बहुत ही सिद्ध स्थान ठाकुर बाबा स्थित है। देखिए यहाँ पर रोज पूजा अर्चना होती है, हवन होता है। सामने भोलेनाथ का मंदिर, बगल से हनुमान जी महाराज, सामने राम दरबार, हवन किया जाता है। राधा कृष्ण जी का मंदिर भी यहाँ पर है। इस तरह से छात्रों को नैतिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक शिक्षा का भी यहाँ पर बोध होता है। देवालय के पास में ही स्थित है हमारे अमर जवान शहीद, देश के जाने माने पहचाने सुभाष चंद्र बोस जी। मैं नमन करता हूँ उनको भी। ये सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति यहाँ पर लगाई गई है, स्थापित की गई है। बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया गया है सुभाष चंद्र बोस जी के आसपास के
स्थान को ये हमारे परम पूजनीय डॉक्टर केशवराव बलराम हेडगेवार जी का पोस्ट लगा हुआ है चौराहे पर। राष्ट्र रक्षा के समान कोई पुण्य नहीं, राष्ट्र रक्षा के समान कोई व्रत नहीं, राष्ट्र रक्षा के समान कोई यज्ञ नहीं, अतः राष्ट्र रक्षा सर्वोपरि होना चाहिए। द्वारा डॉक्टर परम पूजनीय डॉक्टर केशवराव बलराम हेडगेवार जी। एक पोस्ट और लगा हुआ है स्वामी विवेकानंद जी का, हमारे जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करो और अपने पूरे शरीर को उस एक लक्ष्य से भर दो और हर दूसरे विचार को अपनी ज़िंदगी से निकाल दो, यही सफलता की कुंजी है। द्वारा स्वामी विवेकानंद जी। अगला उसी के साथ में पोस्ट लगा हुआ है परम पूजनीय माधव राव सदाशिव गोलबकर जी, इन्हें श्री गुरु जी के नाम जाना जाता है। हिंदुत्व सोदरा सर्वे न हिंदू पथ पतितो भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता, यानी कि सब हिंदू भारत माँ की संतान होने से सदवर हैं, भाई हैं, इसलिए कोई हिंदू पतित नहीं हो सकता। हमने समानता का मंत्र लेकर हिंदू रक्षा की दीक्षा ली है। द्वारा परम पूजनीय माधव राव सदाशिव गोलबकर जी, श्री गुरु जी। में इसी के अगला पोस्टर है छत्रपति शिवाजी महाराज। सर्वप्रथम राष्ट्र, फिर गुरु, फिर माता पिता, फिर परमेश्वर, अतः पहले खुद को नहीं राष्ट्र को देखना चाहिए। द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज। मैं नमन करता हूँ इन सभी महान व्यक्तियों को जिन्होंने अपना देश के लिए सर्वोपरि समय दिया। हम ले चलते हैं आपको अपने परिसर की एक और बेहतरीन बिल्डिंग सुदर्शन सभागार। ये आप देख रहे होंगे ये सभागार इतना बड़ा है कि इसके अंदर 1000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। इसी के अंदर कैंटीन है हमारी और इसी के एक साइड में वंदना करते हैं बच्चे बैठ के। सुदर्शन सभागार यहाँ छात्रों द्वारा अखंड भारत का चित्रांकन किया गया है जमीन पर, देख सकते हैं आप। ये नदियों को दिखाया गया है, हिंद महासागर, कावेरी, रामेश्वरम, देखिए मलय, ये मलय है, ये सहाद्र है, भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर, महाकाल, अवंतिका, नर्मदा, ओमकारेश्वर, घुमनेश्वर, ये यहाँ पर ये स्थान जो है लगाया गया है सतपुड़ा, और इधर ये विंध्याचल है, और इधर सोमनाथ, द्वारकापुरी, ये अरावली के स्थान में दिखाया गया है, अरावली क्षेत्र का। ये सिंधु नदी देख रहे हैं आप, इस तरह से इस यहाँ पर हिमालय को बताया गया है, बद्रीनाथ, गंगा, इस तरह से मथुरा, अयोध्या, काशी, विश्वनाथ, जगन्नाथपुरी, इस तरह से इस बेहतरीन चित्रांकन द्वारा अखंड भारत को प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर एक और रख दिया गया है कोने पर महेंद्र के, और सामने फिर से आप देख सकते हैं सुदर्शन सभागार। सामने एक बिल्डिंग और आप देख पा रहे हैं, इस बिल्डिंग का नाम है तात्या टोपे भवन। ये हमारे
देवालय और यज्ञशाला का दूर से नज़ारा है। फिर से आप देख रहे हैं तात्या टोपे भवन। इस तात्या टोपे भवन में बच्चों का छात्रावास रहता है और इसमें भी छात्र निवास करते हैं और उनका स्तर रहता है 11th 12th, यानी कि जो हाई सेकेंडरी के छात्र हैं वो इसके अंदर निवास करते हैं। ओके, विद्यालय में हमारी सभी प्रकार की गतिविधियां तो होती रहती हैं, उनके लिए विशेष रूप से हमारे पास मैदान अवेलेबल है। आप देख पा रहे होंगे सामने इधर बास्केटबॉल ग्राउंड बना हुआ है, सामने शिशु वाटिका की बिल्डिंग है, इसमें नगर से आने वाले छोटे बच्चे अध्ययन करते हैं। ओके, और सामने जो आप गेट देख रहे हैं, इस गेट के अंदर हमारे छात्रों के लिए रनिंग हेतु ट्रैक है और फुटबॉल के लिए मैदान है, हैंडबॉल के लिए जो इधर आपने देख ही लिया है और फुटबॉल के लिए इसमें है। आजकल आधुनिक युग में बच्चे जिम का बड़ा शौक रखते हैं तो हमारे विद्यालय में ओपन जिम भी अवेलेबल है। देखिए आप, ये रही हमारी ओपन जिम, यहाँ पर बच्चे ओपन जिम में एक अच्छा व्यायाम करते हैं, उनकी फिटनेस बहुत ही अच्छी रहती है। देखिए सभी प्रकार से ओपन जिम हमारी उपलब्ध है। पास में आप देख पा रहे होंगे ये गौशाला है, इस गौशाला में हमारी गाय रहती हैं। ओके, जिसका ताज़ा और शुद्ध दूध हम बच्चों को अवेलेबल करवाते हैं। ओके, आप देख पा रहे होंगे ये हमारी गाय हैं जो घास चल रही हैं। एक बार फिर हमारे परिसर का नज़ारा, सुदर्शन सभागार, इस तरह से मित्रों आपने देखा कि हमने इस वीडियो में विद्यापीठ परिसर को एक्सप्लेन के साथ आपको दिखाने का प्रयास किया है और हम इस विद्यापीठ भ्रमण में जो सेकंड पार्ट लाएंगे उसमें हम आपको अपने विद्यालय की लैब्स, अटल टिंकरिंग लैब, उन सभी को एक्सप्लेन के साथ दिखाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लोगों के पास शेयर करें और लाइक भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, पार्ट 2 में।